रेट्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11th का द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का फुल समरी स्नैपशॉट बुक से देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, मुराद और अरम। ये दोनों आर्मेनियन बॉयज़ हैं। ये दोनों गैरेगुलोनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कुसरो। ये कुसरो एक जॉली कैरेक्टर हैं और ये मुराद और अरम के अंकल हैं। जॉन बायरो। जॉन बायरो एक फार्मर है जिनका हॉर्स इस कहानी में गुम हो गया होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। मुराद और अरम के चारों तरफ ये स्टोरी घूमती रहती है। क्योंकि ये गैरेगुलोनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और गैरेगुलोनियन जो फैमिली है एक ट्राइब है, और ये ट्राइब की एक ही विशेषता है कि इनके पास और कुछ है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक ही चीज़ है, वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। समर विथ ड्रीम हॉर्स, फर्स्ट पॉइंट। ये जो कहानी है उदासी मूड के साथ स्टार्ट होती है। आरम जो नरेटर है इस कहानी के, उस समय 9 साल के एक बच्चे थे और इनका एक कजिन था जिसका नाम था मुराद। और मुराद जो था वो बहुत एडवेंचरस था, लेकिन थोड़ा सा क्रेजी था, और वो 13 साल का था। नरेटर को वो दिन अच्छी तरीके से याद है जब मुराद उनके घर पे भोर के 4 बजे आया था और अरम को उठाने के लिए जो विंडो था अरम के रूम का, उस पे उसने टैप किया था ताकि आसानी से अरम उठ सके। अरम को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने बेड से कूद के बाहर निकल जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। वो बिलीव नहीं कर सकता था कि उसने क्या देखा। वो देखता है कि उसका जो भाई मुराद है वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है, और अरम कुछ पूछ सके उससे पहले ही मुराद कहता है कि अगर तुमको राइड करना है तो तुरंत तुरंत अपने यहाँ से निकल आओ। नरेटर के मन में एक डाउट होता है। नरेटर को पता होता है कि जो उसका कजिन मुराद है वो उस घोड़े को खरीद के नहीं लाया होगा, और अगर वो खरीद के नहीं लाया होगा तो ये तय था कि उसे वो चुरा के लाया होगा। लेकिन जो नरेटर यहाँ पे हैं उनके मन में ये विचार रहता है कि हमारा जो फैमिली गैरेगुलोनियन फैमिली है ये उस ट्राइब से बिलोंग करता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती। कोई इंसान गैरेगुलोनियन फैमिली का अगर है तो वो चोर हो नहीं सकता है। जो नरेटर है वो मुराद से पूछते हैं कि ये बताओ तुम कहाँ से इसको चुरा के लाए। मुराद कुछ रिप्लाई नहीं देता है, बस कहता है कि अगर तुमको राइड करना है तो तुरंत अपने खिड़की से निकल के बाहर आओ। नरेटर राइड स्टार्ट्स। जो नरेटर है वो अपने क्लोथ्स को पहनते हैं और खिड़की से बाहर जो यार्ड रहता है वहाँ पे निकल आते हैं और तुरंत मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ जाते हैं। 3 मिनट से कम समय में उस घोड़े से वो ऑलिव एवेन्यू क्रॉस कर लिए, और हॉर्स इतनी तेजी से दौड़ रहा था क्योंकि दौड़ने का कारण ये था कि उस समय का जो एयर था वो फ्रेश था और उस समय सांस लेना भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुराद को पहले ही हमने बताया था कि अपने फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर था, और जब घोड़ा दौड़ने लगा तो वो चिल्ला चिल्ला के गाना गाने लगा। कुछ देर बाद वो लोग ओपन कंट्री में पहुंच गए, मतलब गांव के एरिया में पहुंच गए, और वहां पे घोड़ा और भी अच्छे से दौड़ने लगा। कुछ समय बीता, अरम कहता है मुराद से कि उसे भी राइड करने दो, लेकिन मुराद कहता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि घोड़ा तुम्हें अपने ऊपर सवारी करने देगा या नहीं। जो नरेटर है घोड़े से उतर जाते हैं और उसके बाद मुराद क्या करता है कि अपने हील से हॉर्स को किक करता है और हॉर्स दौड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस हॉर्स राइड में कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो जाती हैं। 5 मिनट बाद जब मुराद रिटर्न होता है तो अब नरेटर को चांस मिलता है, और नरेटर क्या करते हैं कि घोड़े के ऊपर सवार हो जाते हैं, और जब सवार होते हैं तो घोड़ा उस समय नहीं मूव करता है, और एक सजेशन मुराद दिया रहता है कि जब घोड़े पे बैठना तो उसे किक करना, और किक करोगे तब जाके घोड़ा दौड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने किक किया घोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और नरेटर को ये पता तक नहीं था कि उनको क्या करना चाहिए। हुआ ये कि इरिगेशन वाला फील्ड था वहाँ पे घोड़ा दौड़ने लगा, कुछ गड्ढा था उसको भी उसने नहीं देखा, उसमें भी दौड़ने लगा। कुल मिला के वो रोड छोड़ के अलग डायरेक्शन में भागने लगा। क्या हुआ कि कुछ दूर चला और उसके बाद अरम घोड़े से गिर गया। मुराद आया और आने के बाद
उसका टेंशन एक ही था कि घोड़ा कहाँ है, उसको आराम की कोई भी चिंता नहीं थी। अब दोनों मिलके फाइनली घोड़े को हर डायरेक्शन में खोजने लगते हैं। आधे घंटे बाद फाइनली हॉर्स उन लोग को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मुराद की इंक्वायरी खत्म नहीं होती है। मुराद की इंक्वायरी करने वाला अरम होता है, और मुराद से जो कि नरेटर हैं अरम, वो कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं। कब से तुम हॉर्स को अपने पास रखे हो? मुराद कोई रिप्लाई नहीं करता है, उसे अच्छा ही नहीं लगता है ऐसा क्वेश्चन सुन के। लेकिन कुछ देर बाद उसको कन्विंस करने के लिए कहता है कि आज सुबह से ही ये हमारे पास है। अंकल कुसरू उनके घर पे आए रहते हैं कॉफी और सिगरेट पीने के लिए। वो वहां पे बैठ के कॉफी और सिगरेट पी रहे होते हैं, तब तक क्या होता है कि एक विजिटर आता है, और वो विजिटर एक फार्मर होता है जिसका नाम जॉन बायो रहता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी परेशानी अंकल कुसरू को बताता है। बहुत दुखित मन से कहता है कि उसके पास एक वाइट हॉर्स था और वो हॉर्स चोरी हो गया है, और बार बार यही चीज बोल रहा था। अंकल कुसरो चूंकि जॉली पर्सन थे, जब ये बात वो सुने, सुनने के बाद वो इरिटेट हो गए और कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। जहां पे कहीं कोई सीरियस मैटर चल रहा होता है तो उनका एक ही चीज होता है, ये तकिया कलाम उनका होता है, पे नो अटेंशन टू इट। और यहाँ पे भी उसके दुख को ना सुनते हुए वो कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। नेक्स्ट पॉइंट है बॉयज मेट मिस्टर बायरो विथ हॉर्स। एक सुबह की बात है, जब मुराद और अरम दोनों जन रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पे फार्मर जॉन बायरो मिल जाता है। मुराद उन्हें देखते ही ग्रीट करता है, उन्हें विश करता है गुड मॉर्निंग। फार्मर चूंकि उस घोड़े को देख लेता है, और देखने के बाद वो थोड़ा सा ईगर हो जाता है जानने के लिए कि आखिर में ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा ही दिख रहा है, ये है कौन सा, आखिर में ये घोड़ा मेरा ही है या नहीं है। इस चीज को जानने के लिए वो ईगरली इनको गुड मॉर्निंग रिप्लाई देता है। जो जॉन बायरो फार्मर है वो उनसे उनके घोड़े का नाम पूछता है। मुराद कहता है कि इस घोड़े का नाम मैंने माई हार्ट रखा है। जॉन बायरो कहता है कि ये बहुत लवली नेम है, और ये लवली नेम एक लवली हर्ष के लिए बहुत बेहतरीन है। जॉन बायरो कहता है कि हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। घटना ये है कि कुछ वीक पहले उसके घोड़े की चोरी हो चुकी थी। अगर आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा तो क्या मैं इस घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ? मुंह में देखने के बाद वो उसका दांत देखता है, और दांत देखने के बाद उसे ये लग जाता है कि वो घोड़ा और किसी का नहीं बल्कि जॉन बायरो का ही है। क्योंकि गैरगोलोनियन फैमिली अपने ऑनेस्टी के नाम से जानी जाती है, और वहां पे उस कंडीशन में जॉन बायरो ये नहीं कह सकता था। उसके लिए ये बहुत मुश्किल की बात थी कहने के लिए कि ये घोड़ा उन दोनों बच्चों ने क्या किया है, चुराया है। क्या होता है कि अगले सुबह आरम और मुराद ये दोनों बच्चे जॉन बायरो के विनयार्ड में जाते हैं, और जाके वहां पे उनके घोड़े को बांध आते हैं। लास्ट पॉइंट, मिस्टर बायरो गॉट हिज हॉर्स। उसी दिन जिस दिन मुराद और अरम घोड़े को बांधने गए होते हैं, उसी दिन आफ्टरनून में दोपहर में जॉन बायरो इनके घर पे आता है और बहुत खुश हो जाता है, और नरेटर की माँ से कहता है कि उनका घोड़ा जो चोरी हुआ था उन्हें वापस मिल गया है। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि आखिर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चोरी भी किसी ने किया और फिर वापस लाके पहुंचा गया, और वो बहुत ज्यादा ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है। अंकल कुसरो जो कि पार्लर में थे, ये सुन रहे थे, और सुनने के बाद फिर से इरिटेटेड हो गए, और बोले कि तुम चुप रहो, जब से देखो तब से तुम यही चीज किए जा रहे हो। हाँ, अब रिपीट मत करो ये बात, तुम्हारा घोड़ा गुम हुआ था उस समय चिल्लाए, हाँ अब रिटर्न आ गया है फिर तुम यही बात बोल रहे हो। हाँ, कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, आ गया अब इसके बारे में ख्याल मत रखो। और फाइनली यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रेट्रो स्टडीज।